गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट बुक का ये सेवेंथ चैप्टर है। फर्स्टली वी डिस्कस द एनवायरनमेंट एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज। देर आर द मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच सेटअप टू प्रमोट द एनवायरनमेंट एंड टू हेल्ड इन केस ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है, तो देर आर द मेनी ऑर्गेनाइजेशन और मेनी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ आर सेट अप टू हैंडल दिस। ओके, सो हम यहाँ पे जो लिखा है, सिंस 1960s के बीच में राइज हुए बहुत इन्वायरमेंटल मूवमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज ग्लोबल इशूज़ को देखा गया, ओजोन होल को देखा गया, अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लाइमेट चेंज को देखा गया। इसको हम ना नीचे अच्छे तरीके से कंसर्न करेंगे कि ग्लोबल में क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्या चेंजेस हुई और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे जो हम इसको देखेंगे। पहला तो है कि किस तरह, फर्स्टली हम देखेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रीटीज़ या कौन कौन से एग्रीमेंट को हमने साइन किया फॉर द हैंडल ऑफ टू हैंडल द क्लाइमेट। फर्स्टली एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इन केस अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं हम, ठीक है, अगर वर्ल्ड में हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाली कंट्री जो है वो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, सपोज कर लो बांग्लादेश है, ऐसे तो नहीं है, यहाँ से है ये, ठीक है, बांग्लादेश है। देखो, बांग्लादेश अगर क्लाइमेट में चेंज कर रहा है, उससे ऑटोमेटिकली इफेक्ट इंडिया को पड़ेगा। अगर इंडिया जितना भी ग्रीनरी, जैसे सेव वाटर, सेव लाइफ, या फिर ग्रीन इंडिया, ठीक है, अगर वो कर ले, अगर इससे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम हवा को तो नहीं रोक सकते हैं ना। देखो, तो ये स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई वी स्टडी द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, देखो, हम इसको इसलिए भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डिप्लीशन हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, जिसकी वजह से भी आज के टाइम पे फास्टर रेट में ये डिप्लीशन हो रहे हैं रिसोर्सेज, तब भी हम इसको कंजर्व करने के लिए हम इसको चेंजेस करते हैं, तब इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, व्हाट आर द मेन एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आर हेल्ड इन द वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्टली देर आर द मेन एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, जिससे क्या होता है कि हम ह्यूमन इम्पैक्ट को देखते हैं एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, जैसे कि कौन कौन से हैं, जैसे पोल्यूशन है, एंड देन डिप्लीशन और डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, एयर एंड सॉयल, ठीक है। देर आर द मेन थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू रिजोल्व द इशूज, देर आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, सो हमारा एनवायरनमेंट कंसर्न क्या है इन ग्लोबल पॉवर्टी? देखो, कल्टीवेटेबल लैंड आर स्केयरली एक्सपेंडेड। देखो, आज के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या कर रहे हैं, सपोज दिस इज़ अ ग्लोब, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपेंडिंग ऑफ द लैंड। वाई? बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, उससे एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं, जिससे हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी बहुत कम हो रही है, या लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कंसर्न है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट को की प्रॉब्लम्स भी मेन है ये, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि अगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो HD ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में पीपल जो पोर कंट्रीज़ थी ना, बिल्कुल लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में क्या हो रहा था कि उनको पीने का जो ड्रिंकेबल वाटर है वो भी अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा। तो आप खुद सोच सकते हैं, हम खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कंसर्न कितने इम्पोर्टेंट होंगे या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। पर्टिकुलरली अगर सूडान की बात की जाए,
अफ्रीकन वेस्टर्न अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ तंजानिया हो गया, सूडान हो गया, कागली हो गया, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं आज के टाइम पे भी फॉर द रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। अभी आपने देखा होगा तंजानिया ने आपको जो इस ईयर का क्या कर दिया है, ड्रॉट इतना ड्रॉट पड़ा है वहाँ पे, जो मेज़ की क्रॉप्स है वो टोटली ही डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से उस कंट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद है ये भी एक थ्रेट है कि ओजोन होल हो रहा है अंटार्कटिका में, इसको सबसे पहले 1985 में देखा गया था। इन केस अगर ये हो जाता है तो सीधा अल्ट्रावायलेट रेज आर्थ पर पड़ती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो क्या करती हैं, कंसर्न देती हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि इनकेस कोई कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर कोई कंट्रीज़ में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्लाइमेट हो चेंज हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन। देखो कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे सभी को मिलकर फैसले लेने चाहिए या ग्लोबल कॉमन करना चाहिए। ठीक है, फर्स्टली देखा जाए तो हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं, अगर रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से देखें हम तो कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, अगर वाटर के पर्सपेक्टिव से देखें हम, ठीक है, ओजोन के पर्सपेक्टिव से देखें हम, ठीक है, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं इन पर ग्लोबल कॉमन्स हैं। ये ग्लोबल कॉमन्स का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल कॉमन मीन्स दोज थ्रेड्स जहाँ पर ग्लोबल क्या करता है, ग्लोब क्या करता है, यहाँ पर कंट्रीज़ क्या करती हैं, साथ में मिलके चलती हैं और साथ में मिलके इनको रिजॉल्व करती हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं फॉर द पर्पस टू स्टेबल द क्लाइमेट। ठीक है, लाइक फर्स्टली जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल 1991, क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट इन 1997। इस क्लास में ना आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि इंडिया ने कब साइन किया गया था, इंडिया ने कब रेटिफाई किया था क्योटो प्रोटोकॉल को, और ये बना कब था और एक्सिस्टेंस में कब आया था। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि कब बना था और कब इंडिया ने रेटिफाई किया था और कब एक्सिस्टेंस में आया था। ठीक है, आप ये करोगे, ठीक है, या मैं ही बता देता हूँ, रहने दो। तो फर्स्टली अब मैं बात करूँ तो 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया की डेट से देखें तो इंडिया है 26 अगस्त 2002 को इंडिया ने रेटिफाई किया। ठीक है, और जो मेन एक्सिस्टेंस थी तो 2005 में आई इसकी। ठीक है, ये मेन, ये क्योटो इज़ द सिटी ऑफ द जापान एंड द मेन नेम ऑफ दिस ट्रीटी द मेन नेम ऑफ दिस ट्रीटीज इज़ टू हैंडल द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इज़ टू रेटिफाई द क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू, इसको जो मेन गैसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं इनको क्या करना, कम करना। यहाँ पे भी आगे यही मेंशन किया गया है, देर आर द डिफरेंट ऑप्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ ओवर द इश्यूज़। हाँ, चाहे आप ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ठीक है, इन केस, ठीक है, इन केस अगर, ये ले लो आप, यहाँ पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, देर आर द मैनी ऑर्गेनाइजेशन हर हेल्ड टू मेंटेन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद है इंडिया का क्या स्टैंड है इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे। ये सारे मेन एग्रीमेंट्स हैं जो देखे गए थे, चाहे यहाँ पे मेंशन किया गया है थ्योरेटिकली पार्ट में। ठीक है, इंडिया का क्या साइन है, इंडिया रेटिफाई, हाँ यहाँ पे लिखा गया है अगस्त 2002 को। ठीक है, इंडिया ने साइन किया, जो अडॉप्ट हुआ था ये 19 में और 2005 में ये एक्सिस्टेंस, इफेक्ट में जो वर्क करने लगा था, इफेक्ट में नहीं, जो वर्क करने लगा था ये 2005 में था। ठीक है, उसके बाद G8 मीटिंग की बात करें हम तो
2000 की बात करें, इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द पर कैपिटल एमिशन रेट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब कि जो इंडिया का एमिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज वेल एज पर कैपिटा इनकम, मतलब कहने का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन करते हैं फॉर द हार्मफुल गैसेस. इंडियन गवर्नमेंट जो है इज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल एफर्ट थ्रू द नंबर ऑफ द प्रोग्राम्स, लाइक बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो इंडिया कंडक्ट करता है, जैसे यहाँ पे है ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट, क्लीनर फ्यूल फॉर व्हीकल्स, जैसे आपने देखा होगा इवन ऑड का कंसेप्ट हमने यूज़ किया इन द कैपिटल, ठीक है, इंडियाज़ कैपिटल में, और हम ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये एक प्रोग्रेस है कि हम क्या करें, कम से कम क्या करें, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करें या फिर हम क्या करें, सब ज़्यादा एक्सप्लॉयट ना करें क्लाइमेट को, ठीक है. ये जो मेन डेट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से एग्रीमेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन जो है मॉनेट्रल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, UNEP, देर आर द मेन एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज आर साइंड रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, जो आपको यू हैव टू ऑल अवेयर दैट इन दिस ट्रीटीज, ओके. उसके बाद है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एशियान हो गया, सार्क हो गया, ADB हो गया, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, वाई, बिकॉज देर आर द मैनी इशूज आर रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ इट, बिकॉज वेन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कैन राइज द इशूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं अगर एक कंट्री क्या करता है, साथ में मिलकर क्लाइमेट इशूज़ को डिस्कस करता है. इन्वायरमेंट मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, जैसे पहले है कैटेगरीज ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट, पहले फॉरेस्ट मूवमेंट, ठीक है, मेन मूवमेंट्स आपको देखनी है, पूरी मूवमेंट्स आपको नहीं देखनी. अगर आप फॉरेस्ट मूवमेंट्स में देखोगे तो सोशियोलॉजी में इतनी फॉरेस्ट मूवमेंट हैं, इतनी सोशल मूवमेंट हैं कि आप पढ़ते रह जाओगे, ठीक है. तो मेन जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है वही मूवमेंट्स को देखनी है. इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो डेट्स पता होनी चाहिए आपको, इस पेपर के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डेट्स पता होनी चाहिए और कहाँ पर पता, वेयर का पता होना चाहिए आपको और एम का पता होना चाहिए. बस कोई भी ट्रीटी पढ़ो, इन तीन चीज़ों को देख लो, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ो, चाहे वो मॉनेट्रल प्रोटोकॉल पढ़ो, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट पढ़ो, चाहे वो रियो डी जनेरियो पढ़ो, चाहे वो अर्थ समिट को डिस्कस करो, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक तो डेट, एक तो कहाँ और इसका एम, बस, ओके. उसके बाद है मूवमेंट अगेंस्ट मिनरल एंड माइनिंग, ये भी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो कि चलाई गई थी कि हम क्या करें, देखें कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो इन्वायरमेंट को डिस्कस कर रहा है. उसके बाद है, देखो, उसके बाद है इन्वायरमेंट मूवमेंट्स, एंटी डैम मूवमेंट्स, ये भी चलाई गई थी, कहाँ कहाँ पे चलाई गई ये भी मैंने आपको बता दिया, ये तीनों चीज़ें थ्योरी आपके पास होगी. उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंस ऑफ, ये देखो सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये अंडरस्टैंड के लिए है, आपको इसको रीड नहीं, मतलब कि आपको इसको लर्न नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए और ये जो मेन की एलिमेंट्स हैं इनका पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट मूवमेंट के सिग्निफिकेंट रोल क्या है एक सोसाइटी में, आपको पूछा जा सकता है. देखो इन केस आपको 4 एलिमेंट्स बता दिए गए, ठीक है, 4 अगर आपको एलिमेंट्स बता दिए गए तो वहाँ पर क्या होगा, एक एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ओनली 1 एलिमेंट्स को ही देखना है कि इन कौन सा सिग्निफिकेंस नहीं है इसमें, ठीक है, इस तरीके से इस रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ बताइए इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, नो ऐसा नहीं होगा, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग्स में आपको ये पूछा जाएगा. नेक्स्ट वन है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड में हो रहा है एंड देन क्लाइमेट चेंज के भी ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स हैं जो किए जा रहे हैं रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट, आर्ट समिट, रियो डी जनेरियो इन 1992. तो देर आर द मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू हैंडल द इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एज वेल एज द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ओके. सो उसके बाद है ग्लोबल इनिशिएटिव, वर्ल्ड ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट, फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज. फर्स्ट वन मॉनेटरी प्रोटोकॉल, इट इज़ साइंड इन द 1987 एंड देन उसके बाद है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज इन द ईयर ऑफ 1992. उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल विच इज़ रेटिफाइड इन द 2005. मैंने आपको बोला कि एम, वेयर एंड देन विच डेट,
ओनली थ्री जो डेट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट 2005 में, इसका मेन एम क्या था, जैसे यहाँ पे बताया है व्हेन द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एमिट इक्वल अमाउंट ऑफ द रिमूव्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये ना अकॉर्डिंग टू माय ओन पर्सपेक्टिव दिस आर द दिस एग्रीमेंट इज टू डिस्क्रिमिनेट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज इन द डेवलप्ड कंट्रीज हैव आल्सो इमिशन द ग्रीन हाउस गैसेज। बट ही सेज दैट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके उनको क्या करना है, वो क्या करें, हमारे अकॉर्डिंग ही जितनी गैसेज हैं, जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको इमिशन करें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गई हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अमेरिका, अमेरिका हो गया, ये कुछ यूरोप की कंट्रीज़ होगी। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये था हमारा इन्वायरमेंट चेंज। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बता देता हूँ, आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन होगा, या तो आपका क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से कि कौन सा एग्रीमेंट कब हुआ था, या फिर मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, सारे एग्रीमेंट्स आपको बता दिए गए कि आप ये पेरिस हो गया, ठीक है, क्योटो प्रोटो हो गया, अर्थ सबमिट होगी, ठीक है, या तो इनकी डेट्स बता दी जाएंगी। ठीक है, एंड द नीचे होगा ए के साथ वन, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, और किसी के रिगार्डिंग आपको नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर्स में। ठीक है, सो बच्चे ये था आपका ये वाला चैप्टर, आप इसको थ्योरी आपके पास पहुंच जाएगी, आप इसको अच्छे से देख लोगे। ठीक है, इफ़ एनी क्वायरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूंगा इश्यूज। ठीक है, थैंक यू बच्चे।